हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारी बारिश थी, तो आज थोड़ी बारिश रुकी है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑल मीन्स ऑल स्कूटीज ऑल बाइक्स के मेथड सेम रहेगा, पर मैं आपको एक प्रॉपर मेथड में लाइनर को रिप्लेस करना बताऊंगा। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स है और आने वाले सब्सक्राइबर्स है, उनको एडवांस में थैंक्स बोलता हूँ। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनको एक बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि मैंने 200 भी मीन्स क्रॉस कर लिया है 200 सब्सक्राइबर्स। तो मैंने 100 सब्सक्राइबर्स पे वीडियो बनाया था, तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बारिश है। तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक है इसके लिए मैं ये लाइनर रिप्लेसिंग का वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट। तो चलिए गाइस चालू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्या मैंने एक ऐसे नॉर्मल लाइनर ले लिया है, एलिट नेपोन कुछ ऐसा कंपनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देखिए, ये हमारे ब्रेक लाइनर्स, ब्रेक शू भी बोलते हैं इसको, ब्रेक लाइनर्स भी बोलते हैं। सो फिलहाल अभी तो बारिश का मौसम है, तो ये आप सबको चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में हम अपनी गाड़ी के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं भी इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज ये वीडियो में एकदम प्रॉपर कट टू कट एकदम मेथड बताऊँगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, ये जो आपको स्क्रू, ये जो बोल्ट दिख रहा है आपको, ये है बोल्ट, मीन्स एक लंबा बोल्ट रहता है, उसके ऊपर ये नट रहता है। तो ये जो नट रहता है वो नट रहता है 17 नंबर्स का, और ये जो बोल्ट रहता है मीन्स जिसका हेड वो साइड होता है, ये देखिए ये, तो इसका रहता है 15 नंबर का स्पैनर इसको लगता है, और इसको लगता है 17 नंबर्स का स्पैनर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और कभी भी कोई भी नट स्क्रू बोल्ट ओपन करने से पहले उसमें थोड़ा सा WD-40 मार लेना चाहिए, तो इजीली ओपन हो जाता है। तो मैं ओपन करने के बाद आपको कंटिन्यूस दिखाता हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, अब मैंने बोल्ट निकाल लिया है, ये बोल्ट, ये वॉशर साइड में रख लेना। अब आपको ये टर्न करना टायर, यहाँ से आपको हल्के से ठोकना है, तो आपको कोई हार्ड चीज से नहीं ठोकना है इसको, तो इसकी ट्रेडिंग चली जाएगी। अब आपको दूसरे साइड से देखिए, अब आपको ये स्पैनर से ऐसे इसको बाहर खींचना है। तो ये देखिए, ये एक्सेल आ गया। अब आपको डबल स्टैंड पे रखना है गाड़ी, और व्हील को, ये देखिए व्हील निकल गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, पुराना हमारा पुराना लाइनर पूरी तरीके से घिस गया है, और अंदर से ऐसे दिखता है। तो पहले मैं आपको व्हील का बता देता हूँ, उसके बाद हम लाइनर का देखें। ये देखिए, व्हील मैंने एक जगह पे खड़ा कर दिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पुराने लाइनर का जो घिसा हुआ पार्ट्स, इसमें निकलने का जगह नहीं रहता है इसके लिए, इसमें सेट हो जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, एक कपड़ा लेके इसको अच्छे से पोंछ लेना है, एकदम अच्छे से पोंछ लेना है। ये अच्छे से पोंछ लिया मैंने। अब आपको करना क्या है, आपको सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर आपको कोई भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा, तो मैंने तो मोटा वाला लिया है, आप चाहे तो कोई भी सैंड पेपर ले सकते हैं, पर इसको घसना ज़रूरी है। दूसरे लोग क्या करते, इसमें डायरेक्ट लाइनर बिठा देते, पर नहीं, वो गलत है, इसको घिसना पहला ज़रूरी है। आप इसको जितना घिस सको उतना आपको घिसना है। अच्छे से घिस लेना है पूरा, एकदम उसका सरफेस एकदम शाइन मीन्स एकदम चिकना होने तक घिसना है उसको। आप ऐसे टच करोगे तो आपको एकदम सिल्की फील होना चाहिए, तब तक आपको घिसना है। तो ये देखिए, मैंने घिस लिया, और आप देख सकते हैं इधर देखिए, जो मैंने घिसा हुआ है उसका डस्ट है। तो फिर से मैं इसको क्लोथ से अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लाइनर कैसे बिठाना है। तो अब व्हील हो गया है, तो अब मैं आपका लाइनर का बता देता हूँ। तो ये जो पुराने आपको लाइनर निकालना बहुत सिंपल है, बस आपको इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये देखिए, ये उड़ गया, तो ये सिंपल ही निकल जाएगा। तो जो नए लाइनर से उसके साथ आपको स्प्रिंग नहीं मिलेगी, तो हर टाइम आपको ये स्प्रिंग यूज़ करना पड़ेगा इसमें जो।
तो बहुत सिंपल है, उसको भी स्प्रिंग ऐसे निकाल लेना है और बस जैसे इसमें था अब सेम उसमें लगा दीजिए। तो मैं लगा देता हूँ, तो ये मैंने लगा दिया है। तो आप देख सकते हो पुराने लाइनर और नए लाइनर में, पुराने लाइनर का पूरा मेटल तलक घिस गया था और ये देखिए इसमें है पूरा अच्छे से नए लाइनर में, देखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो हम सैंड पेपर से घसते हो क्यों घसते, तो पहले ये जो मेटल उसमें घसता रहता है इसके लिए हम उसमें पहले नया लाइनर डालने से पहले घिस लेते हैं, क्या थोड़ा ऐसा जगह बने क्या जिसमें ये मीन्स फ्रिक्शन बना सके और गाड़ी जल्दी से मीन्स अच्छे से रुक सके। अगर आप डायरेक्ट भी लगाए तो कुछ नहीं, पर इससे क्या थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी गाड़ी को। सो इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते वैसे ही कपड़े से और फिर इसको हम लगा देते। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने ये WD-40 मार दिया, क्योंकि ये मूव होता है तो हमारा लाइनर जो है वो एक्सपांड होके ब्रेक लगता है। तो ये मूविंग पार्ट था, इसके लिए मैंने इसमें हल्का सा WD-40 डाल दिया। ऑयल डालना चाहिए था पर मैंने WD-40 डाल दिया। अब आपको करना क्या है, ये लाइनर में बताता हूँ कैसे लगाना है। तो आपको पहले वन साइड डालना, जैसे ये है इस, ये देखिए यहाँ पर प्लेन पार्ट है और यहाँ पर सर्कल पार्ट है, तो सर्कल इसमें चला जाएगा प्लेन इसमें। तो आपको इसको पहले ऐसे लगाना है और ये पार्ट को इधर रखना है। इसके बाद आपको सेम ऐसे ये देखिए ऐसे दबा, ये ऐसा लगना चाहिए, दबा के आपको एक ऐसा डालना है और फिर एक दबा के इधर लॉक कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये सर्कल में भी चला गया, ये स्ट्रेट इसमें भी चला गया, बस ये हमारा लग गया ब्रेक। अब इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है क्योंकि थोड़ा भी ऊपर हो जाएगा तो फिर निकल जाएगा। अब जैसे निकाले थे हमको फिर से वैसे लगा देना। लाइनर रख के रेडी हो गया है, तो मैंने ये वीडियो बड़ा बन जाएगा इसके लिए पीछे का नहीं बताया मैंने आपको। प्रोसेस सेम है, बस जो हमारा जो बोल्ट का साइज है वो अलग है, वो साइज है 22 जुपिटर के लिए और सब स्कूटी के लिए मुझे लगता है सेम ही है क्योंकि मैंने अपना किया है। इसके लिए मैं बोलता हूँ आगे का एक साइड का 17, दूसरे साइड का 15 और पीछे का 22, तो सेम प्रोसेस था। और आप लगाओगे तो सेम ऐसे ही लगाना, ठीक है। तो ये था एकदम करेक्ट। तो अब मैं आगे और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। टिल देन स्टे ट्यून, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। You are crazy engineer.